हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट वंश मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के हम ज्यादातर जो पावरफुल मुगल्स थे, जो बाबर से औरंगजेब तक के मुगलों को हम पावरफुल मुगल्स बोलते हैं, उनका इतिहास हम पढ़ चुके हैं। यानी कि 1526 से लेके 1707 तक की जो भी घटनाएं हुई उनको हम कवर कर चुके हैं। उनका इंडिविजुअल जो लाइफ है, उनका जीवनी है, उनका जो प्रशासन है, उनके जीवन में क्या क्या कौन कौन से युद्ध लड़े गए, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, या फिर हमारा लास्ट में कौन आता है, औरंगजेब हो, उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके लिए अलग से कंपाइल करके लेके आना चाहता था। उनमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि मुगल टाइम पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कंबाइंडली अगर देखें तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक, वो मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने देखना चाहा कि हम मुगल टाइम में स्थापत्य कला कैसी थी, यानी कि आर्किटेक्चर कैसा था, कौन कौन सी मशहूर बिल्डिंगें बनी जिनको आज भी देखा जाता है, लोग उनको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनी हुई हैं, उन सारी बिल्डिंग्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। वो जो स्थापत्य कला के नमूने हैं, स्पेशली उसमें से आपको याद रखना है कौन से मुगल बादशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे बना हुआ है, उसको किसने बनवाया, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं इन्होंने इनके समय पे बनी है, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड वेरियस स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट दे सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर है, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। देखो, मुगलों का जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन स्टाइल में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, यानी कि फारसी जो स्टाइल हुआ करता था आर्किटेक्चर का, वहां से सबसे ज्यादा ये इन्फ्लुएंस है। क्योंकि ये जो लोग आए थे, ये आए थे, आपको पता है, उज्बेकिस्तान से आए थे। उसके बाद बाबर जो आया था भारत में, फाइनली वो काबुल से होता हुआ आया था, काबुल यानी कि अफगानिस्तान से आया था। लेकिन इनके जो आर्किटेक्चर के जो करते थे, काम करते थे यहाँ पे, काश्तकार होते थे, वो ज्यादातर आते थे पर्शिया से, यानी आज के समय का जो ईरान है वहां से आते थे। और उसके साथ ही साथ इनमें कुछ आपको मिक्सचर मिल जाएगा कि इंडिया से जो स्टाइल मिल जाता था इनको, उसको भी ये कॉपी कर लेते थे। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे राजपूतों के बहुत सारे किले मिलते हैं, राजस्थान में स्पेशली बहुत ही फेमस किले हैं, उनके बारे में हम जल्दी ही वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो उन किलों से, उनसे कुछ स्टाइल कॉपी कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अलग से हुआ करता था, एंशियंट आर्किटेक्चर अलग से हुआ करता था। तो उन सब का एक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है कि इंडियन आर्किटेक्चर प्लस पर्शियन आर्किटेक्चर के बहुत सारे नमूने आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका जो मुगल आर्किटेक्चर है उसकी मेनली शुरुआत होती है अकबर के समय में। अकबर बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाता है, उसके बाद आगे चल के जहांगीर और शाहजहां के समय को तो आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अब इससे पहले दो किंग और हुए, आपको पता है, अकबर से पहले बाबर और हुमायूं रहे। तो बाबर का तो जीवन यहाँ पे ज्यादा समय चला ही नहीं। 1526 में आया था बाबर पानीपत की लड़ाई के बाद, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे वो अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में ही अपने जीवन के ये 4 साल लगा देता है। ज्यादा कुछ उसने आर्किटेक्चर में काम किया नहीं, सिवाय बाबरी मस्जिद, जो आपने सभी ने सुना होगा, एक कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत सालों तक केस चलता रहा है उस पर। आपको पता है कि पहले वहां पे मंदिर था, ऐसा कोर्ट ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है, तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी वो बची नहीं है। तो बाबर के समय पे बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके बाद हुमायूं आया, और हुमायूं का भारत में आपको पता है प्रभाव ज्यादा रहा नहीं। उसने अपने अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा लड़ी है, आर्किटेक्चर जैसी चीजों में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो ज्यादा काम कर नहीं पाया। क्योंकि आपको पता है पहले 1530 के बाद 1540 तक उसने शासन किया, उसमें भी उसको बहुत ज्यादा युद्ध लड़ने पड़े शेरशाह सूरी के साथ, और 1540 में तो उसको भारत से भगा दिया गया। उसके बाद वो अगले 15 साल तक भारत से इधर उधर घूमता रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक घूमता रहा। उसके बाद वापस आया तो उसने ज्यादा काम नहीं कर पाया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अकबर के पास बहुत समय था आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करने के लिए, तो अकबर ने उस पर काम भी किया। और उसके समय से आर्किटेक्चर का एक नया आपको पहलू देखने को मिलता है कि मुगलों का आर्किटेक्चर कैसे है, कैसा था, ये आपको अकबर के समय से पता चलता है। इनकी कुछ विशेषताएं थी। अकबर ने सबसे पहले शुरुआत की थी रेड सैंडस्टोन का, जो तरीके से इसने बिल्डिंग्स का निर्माण करना, तो मेन मटेरियल होता था रेड सैंडस्टोन अकबर के समय से। उसके बाद आगे चल के व्हाइट मार्बल पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। शाहजहां के समय अपने पीक पे पहुंचा, ठीक है। उसमें से आपको पता है ताजमहल एक उसमें सबसे खूबसूरत इमारत है। इनका जो अगर मास्टरपीस देखें मुगलों की पूरे आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा मास्टरपीस कोई है तो वो क्या है, ताजमहल है। स्पेशली ताजमहल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप ताजमहल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूरे फैक्ट्स जानना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ताजमहल के बारे में क्या क्या चीजें स्पेशलाइज हैं, क्या क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्यों वो इतना मशहूर है, ठीक है। तो इनकी कुछ चीजें हैं
मुगल आर्किटेक्चर को आप ओवरव्यू देखेंगे तो कुछ स्पेशलिटी आपको मिलेगी उनमें से, क्या है, बड़े बड़े इनमें होल देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़े बड़े आपको गेट मिलेंगे और वो गेट बहुत ही पावरफुल हैं, उनको इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, वो मिलिट्री पर्पज से बनाए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा डेलिकेटेड ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि जिस तरह का भी इसमें, जैसे रेड सैंडस्टोन यूज किया या फिर व्हाइट मार्बल यूज किया, लेकिन साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जड़े होते थे, बड़े बड़े जो बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे, ज्वेल्स होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था इन आर्किटेक्चर के जो नमूने थे उनमें। उसके अलावा बड़े बड़े आपको डोम्स मिलते हैं, डोम्स यानी आपको पता है इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वहाँ डोम्स आपको मिलते हैं, ठीक है, डोम्स यानी कि गुबंद देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सिलेंड्रिकल मीनार्स, हर कोने पे, जैसे चार कोने हैं तो चारों कोने पे चार मीनार देखने को मिलती हैं ज्यादातर जो आर्किटेक्चर के नमूने हैं उनमें। कुछ मकबरे या कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे दो मीनार आपको देखने को मिलती है, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, वहाँ तो सॉरी चार हैं, आपको बताऊंगा मैं, औरंगजेब के मकबरे में आपको दो मीनार देखने को मिलती है। तो ये मीनार क्या होती है, आप एक गुबंदा नुमा एक तरीके से पिलर मान लीजिए, वो मीनार होती है, ठीक है, तो चारों कोनों पे मीनार हुआ करती थी। ये एक तरीके से इन आर्किटेक्चर को आप देखें तो ये विशेषता सब में मिलती है, ये कॉमन है, ठीक है। इसी से आपको पता चलता है कि ये स्टाइल कहाँ से लिया गया, ये पर्शियन स्टाइल है, वहां पे भी इसी तरीके के नमूने मिलते थे पहले समय से ही, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं बाबर से लेके और औरंगजेब तक जो जो भी आर्किटेक्चर की फील्ड में काम हुआ उस सबको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाबर का मकबरा, बाबर के मरने के बाद बना ऑब्वियसली, लेकिन बाबर से शुरुआत करते हैं। बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को और वो आगरा में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसको शुरुआत में आगरा में ही दफना लिया जाता है, लेकिन बाबर की एक विश होती है, वो कहता है कि मुझे बाग-ए-बाबर में दफनाया जाए। बाग-ए-बाबर कहाँ पे होता है, काबुल में, यानी कि आज के समय जो अफगानिस्तान है वहां पे बाग-ए-बाबर होता है, क्योंकि काबुल से ही आया था, पता है आपको, बाबर जो था वो काबुल से भारत में आया था, तो उसकी अंतिम इच्छा थी वो अपनी जन्मभूमि पे जाके वहां पे इसकी मृत्यु हो। हालांकि जन्म उसका काबुल में नहीं हुआ था, जन्म उसका उज्बेकिस्तान में हुआ था, फरगना में हुआ था, ठीक है। तो शुरुआत में आगरा में दफना दिया 1530 में, लेकिन उसकी मृत्यु के 13 साल बाद जब यहाँ पे शासन हो रहा होता है शेरशाह सूरी का, उस समय इसको जाके, इसके जो अवशेष हैं उनको जाके बाग-ए-बाबर जाके दफनाया जाता है, बाग-ए-बाबर में दफनाया जाता है, जो कि आज के समय एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये काबुल में है, अफगानिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे है, और इसका ये बाग-ए-बाबर जो है ये बहुत ही फेमस गार्डन है, वहाँ की एक ही पर्यटन स्थल है, बहुत ही फेमस, और यूनेस्को हेरिटेज साइट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ खुले शेर दरवाजा है, उसके साउथ में ये पड़ता है, ठीक। तो ये है बाबर का मकबरा। देखो आपको याद रखना है एक चीज, स्पेशली मैं अभी आपको बता दूं, ध्यान रखना इस पॉइंट को, तीन मुगल बादशाह, एक बाबर, दूसरा जहांगीर और तीसरा बहादुर शाह जफर, ये तीन नाम याद रखना है। ये तीनों ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे भारत में नहीं है, इन तीनों के मकबरे भारत से बाहर हैं। बाबर का मकबरा मैंने बता दिया आपको अफगानिस्तान में है, जहांगीर का लाहौर यानी कि पाकिस्तान में है, और बहादुर शाह जफर का म्यांमार में है, जो कि अपना पड़ोसी देश है, पहले बर्मा हुआ करता था, वहां पे इसका मकबरा है। तो ये तीन ही ऐसे मुगल बादशाह जिनका मकबरा भारत से बाहर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कई बार सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि कौन सा मुगल बादशाह ऐसा है जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो इनमें ऑप्शन दिखे तो इन तीनों का आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा। अब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है आपको पता है 1556 में, 1556 में मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनाया जाता है दिल्ली में। अब हर मुगल बादशाह का मकबरा किस सिटी में है ये तो स्पेशली याद रखना है। 1562 में इसको कमीशन किया जाता है और इनकी जो बेगम होती है हमीदा बानो बेगम, जिनके गर्भ से अकबर का जन्म होता है, वही इसको कमीशन करती हैं, वो इसके निर्माण का एक तरीके से पूरा परफॉर्मा तैयार करती हैं कि कौन इसका चीफ आर्किटेक्चर होगा, किस तरीके से बनेगा, और इसको पूरी तरह से सैंक्शन कौन करता है, हमीदा बानो बेगम करती हैं। इसके जो चीफ आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो कौन होते हैं, मिरक मिर्जा गियास और उसका बेटा सैयद मोहम्मद, ये दोनों इसको चीफ डिजाइनर होते हैं इस टॉम के, और ये बहुत ही फेमस क्राफ्टमैनशिप थी। भारत में इस तरीके का कोई मकबरा पहले नहीं बना था, ये एक देखो बहुत ही सुंदर मकबरा है हुमायूं का। मुगल काल में बनने वाले बहुत सारे मकबरे बहुत खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं, हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया ताजमहल है जो शाहजहां और उनकी मुमताज महल जो बेगम है उनका मकबरा है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा है वो भी बहुत खूबसूरत है, तो बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स ये बनी हुई हैं, ठीक। उसके बाद ये मकबरा जो था ये पहला ऐसा गार्डन टॉम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसको
जो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था इतने बड़े स्केल पे, ठीक है, छोटे छोटे चीजें बनाई जाती थी रेड सैंडस्टोन से, लेकिन इतना बड़ा मकबरा पहली बार बना था। उसके बाद इसके अंदर कुछ ब्लैक और व्हाइट येलो तरह के मार्बल भी लगे हुए हैं, इसकी खूबसूरती जो बढ़ाते हैं, ठीक। और ये स्पेशली आपको चीजें ज्यादा, मैं ये थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ, हालांकि हम डिटेल में इतना ना जाएं तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कहाँ पे है, दिल्ली में किसने कमीशन किया, उनकी बेगम ने, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, जो फेमस चीजें हैं उनका वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है आगरा का किला। आगरा का रेड लाल किला जो है और दिल्ली का लाल किला, दोनों में आपको ध्यान रखनी है बातें। आगरा का जो किला है, अगर उसमें सीधा सवाल पूछे कि किसने बनवाया, तो आप बोलेंगे अकबर ने बनवाया। हालांकि इसका इतिहास पीछे से चला आ रहा है। आगरा का जो किला है, ये पहले एक ऐसा दुर्ग होता था जो सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में लोदी वंश ने भी इसका कंस्ट्रक्शन किया था, पहले से इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रखा था। अकबर ने इसको बड़ा किला बना दिया रहने के हिसाब से, एक राजा का एम्परर के रहने के हिसाब से अकबर ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। 1565 से लेकर 1574 तक 9 साल में ये किला बनके तैयार हुआ। और बहुत ही खूबसूरत ये किला है, जमुना नदी के किनारे बना हुआ है। जमुना यानी यमुना नदी, एक ही बात है। देखो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो दिल्ली शहर है और आगरा शहर है, दोनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित है। और दोनों ही ये जो किले हैं, दिल्ली का लाल किला हो या फिर आगरा का लाल किला हो, दोनों ही जमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल भी जमुना नदी के किनारे है। तो जमुना नदी के किनारे मुगलों के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हैं, ध्यान रखना है आपको कौन सी नदी के किनारे हैं, ठीक। और ये जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखो कैसे, स्पेशल फीचर ऑफ दिस फोर्ट इज 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लंबा है, और लगभग इसकी दीवारें हैं वो 21 मीटर तक ऊंचाई है इसकी दीवारों की। दिल्ली का लाल किला है वो इससे भी बहुत बड़ा है, उसकी 34 मीटर तक की ऊंचाई है दीवारों की, ठीक है। और सॉलिड रेड स्टोन से ये बना हुआ है। उसके बाद इसकी और एक खूबसूरत विशेषता है, वो ये है कि इसमें जो स्टोन का जो काम है, इतना अच्छे से किया गया है, इतना अच्छे से लिंक किया गया है इन स्टोन्स को और आयरन रिंग्स को आपस में, कि उनमें से बाल भी ना पास हो सके, इतना अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो काश्तकारी बहुत ही उम्दा है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें मेनली 2 गेट हैं, और आगरा के किले, लाल किले में आपको 5 गेट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये जो आगरा का किला है इसमें आपको 2 गेट देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके अलावा इसी के कैंपस में, इसी लाल किले की जो आसपास का कैंपस है, उसी में कुछ और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी बनी हुई है, जैसे जहांगीरी महल, जहांगीर के लिए और उसके बीवी बच्चे रहते थे। इसमें आपको ध्यान होगा कि अकबर की अपने बेटे सलीम या जहांगीर के साथ इतनी बनती नहीं थी, तो उसके लिए अलग से महल था और वो अलग से अलग ही रहा करता था, ठीक है। कभी यहाँ रहता था और कभी आगरा में रहता था, लाहौर में रहता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए उसको अंतिम समय में वहीं पे दफनाया गया था। जहांगीर के, जहांगीर महल बनाया गया, उसके लिए मोती मस्जिद बनाई गई, मीना मजार बनाया गया, ये इसके कैंपस में, आगरा के किले के कैंपस में है। उसके बाद आपको पता है कि अकबर ने अपनी कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लिया था, आगरा से थोड़ा दूर आगे एक शहर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो नींव रखी और ये जो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया, इसका पूरा क्रेडिट अकबर को ही जाता है। अकबर ने इस शहर का जो रूप नक्शा है वो पूरी तरह से बदल दिया। पहले एक छोटा सा एक तरीके से गांव सा था, फिर इसको एक तरीके से टाउन बनाया और इसको अपनी कैपिटल बना लिया, ठीक है। तो मुगलों की अगर कैपिटल बना है कोई शहर, तो उसका विकास तो होना ही था, उसमें बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन तो होने ही थे। तो इस शहर का विकास जो होता है वो 1570 के दशक में होना शुरू हो जाता है, बहुत अपनी चरम सीमा पे होता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स इसमें बनती हैं, जैसे एक है जामी मस्जिद, धार्मिक स्थल भी बनते हैं, शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब। शेख सलीम चिश्ती कौन है? वही शेख सलीम चिश्ती जिसके बहुत बड़े फॉलोवर थे अकबर, और उन्हीं की, उनके आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था, यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। उनके ही नाम पे अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, सलीम शेखू बोला करते थे उसको बचपन से ही, बाद में उसने अपना नाम जहांगीर रख लिया था जब वो राजा बनता है, ठीक। उसके अलावा कुछ और बिल्डिंग्स भी हैं यहीं पे फतेहपुर सीकरी में, जैसे कि जोधाबाई का महल, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, ये सारी बिल्डिंगें हैं ये फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखना है, सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है पंचमहल कहाँ पे है फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास। देखो दीवाने आम और दीवाने खास दो है, पहले ये डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में मतलब आम आदमी, आम जनता जो है वो अपनी दरख्वास्त लेके बादशाह के पास जा पाती थी, किसी भी तरह का कोई भी चीज चाहिए उनको, कुछ न्याय चाहिए, तो वो अगर दरबार में पेश होना होता था तो दीवाने आम में जाती थी। अगर लेकिन मंत्री परिषद की कोई मीटिंग थी, यानी कि जो उसके खास थे, लॉयल जो लोग थे, जो मंत्री थे बड़े बड़े, उनके साथ कोई भी मीटिंग हुआ करती थी, तो वो दीवाने खास में हुआ करती थी। तो ये डिपार्टमेंट था,
और उसके लिए स्पेशली मंदिर वो बनाए गए थे, एक तरीके से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। तो जब ये दीवाने आम और दीवाने खास की बिल्डिंग फतेहपुर सीकरी में बनी तो अकबर ने बनवाया, लेकिन दिल्ली के जो लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास हैं वो शाहजहां ने बनवाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे ना तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको कई बार दीवाने आम यहाँ पे भी दिखता है वहाँ पे भी दिखता है, तो ये आप अंतर याद रखना। उसके बाद जोधाबाई प्लेस जो है ये बहुत ही एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाई थी अकबर ने, जोधाबाई वही जो आमेर की राजकुमारी थी और अकबर से शादी हो गई, मरियम ए उजवानी भी इनका नाम रखा गया था बाद में, तो ये वो जोधाबाई हैं। ठीक है, इनके चारों इनके लिए भी एक महल इन्होंने बनवाया गया था, और इनके कोने पे वही हैं अपना स्टोरियार्ड वगैरह हैं और कुछ मीनार्स बनाई गई हैं। उसके बाद फेमस महल जो है यहाँ पे पंच महल बहुत फेमस है और बुलंद दरवाजा बहुत फेमस है, जो कि दोनों ही फतेहपुर सीकरी में है। पंच महल यानी पंच आपको दिख रहा है, पंच मतलब क्या होता है, पांच। पंच महल आपको देखने में ही लगेगा कि यहाँ पे पांच फ्लोर दिखेंगे, पांच फ्लोर दिख रहे हैं, और हर फ्लोर जो नीचे वाला फ्लोर है वो बड़ा है, ऊपर वाला फ्लोर छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे चल के छोटा होता जाता है और ऊपर से लास्ट में जाके एक गुंबद वाला ये कियोस्क बचता है। कियोस्क किसको बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं, कियोस्क को आप वॉय स्टडी होती है उसको भी बोलते हैं, एक यानी कि केबिन जैसा बचता है उसको कियोस्क बोलते हैं। और ये छतरी टाइप जो है ये आप अगर राजस्थान में या फिर नॉर्थ इंडिया में है तो आपने एक चीज देखी होगी, ये जो छतरी सी बनी हुई है इसके ऊपर सबसे ऊपर, इस तरह का आर्किटेक्चर सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर में ही नहीं, इसको बाद में बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है। एक छतरी या दो छतरी बना दिया करते थे लोग अगर किसी के मरने के बाद, उसका एक तरीके से वो मकबरा ही तो होता है, वो टॉम भी तो होता है, ठीक है, स्मारक बनता है, तो वो स्मारक यहीं से लिया गया है, इन्हीं के आर्किटेक्चर से वो आगे चल के ये बहुत सारे जगह पे फैलता चला गया। तो ये पंचमहल बना। उसके बाद बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दरवाजा हम पढ़ते हैं, देखो तीन दरवाजे, काफी सारे दरवाजे हैं वैसे तो, मैं आपको बताऊं, बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने, अलाई दरवाजा बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, और अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया गेट। अब इंडिया गेट जो है वो बना था किसकी याद में, जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीता था और जो सहयोगी देश जीते थे इंग्लैंड के, तो और भारत के सैनिक बहुत सारे शहीद हुए थे, भारत उस टाइम कॉलोनी हो करता था यूके की, तो उनकी याद में बना था हमारा इंडिया गेट जो दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा जो कि है फतेहपुर सीकरी में, ये और अलाई दरवाजा, दोनों ही दरवाजों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही गुजरात विजय के दिवस पे बनाए गए, गुजरात विजय के लिए बनाए गए, उसकी खुशी के लिए बनाए गए। अब जब अलाई दरवाजा बनाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीता था, और जब बुलंद दरवाजा बनाया गया तो अकबर ने गुजरात को जीता था, ठीक है, और बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। इसका निर्माण होता है 1571 से 72 के बीच में, और ये रेड स्टोन सैंड स्टोन से बना हुआ सबसे क्या बोलते हैं मोस्ट परफेक्ट आर्किटेक्चर है भारत का, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छी क्राफ्टमैनशिप से ये बुलंद दरवाजा बनाया गया है। ठीक है, इसको आप कभी जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा काश्तकारी इसका काम पर काम किया गया है। इसकी हाइट कितनी है, 53 मीटर ऊंचाई है, उसके अलावा 39 मीटर का इसका विड्थ है, ऊंचाई इसकी है 53 मीटर और 39 मीटर की ये विड्थ में फैला हुआ है, और ऑक्टागल शेप में है ये, और इसके ऊपर बड़े बड़े डोम्स भी हैं, ये आपको दिख रहे हैं ऊपर ऊपर डोम्स, बहुत बड़े बड़े गुबंद लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं इसके गेट पे, वो लिखे हुए हैं अकबर की धार्मिक नीति के ऊपर, रिलीजियस टॉलरेंस, किस तरीके के धर्म को अकबर किस तरीके से देखता था। अकबर की धार्मिक नीति को अगर जानना चाहते हैं आप तो उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था अकबर का दूसरा पार्ट जो था, और आई बटन पे आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा अकबर रिलीजन को किस तरीके से देखता था, क्या क्या उसने काम किए हैं रिलीजन को देखते हुए, बाकी मुगल बादशाहों से लेके और बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के राजा मान लो, या काफी जो इस्लामिक हैं या दूसरे धर्म के राजा भी हैं, उन सब में काफी हद तक अकबर जो था वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट था रिलीजन को लेके, आप उसकी पॉलिसी को देख के ये बात समझ सकते हैं। आप उसकी अर्ली लाइफ को ना देखें, अगर आगे का जीवन जो देखें, ठीक है, जब पेटीकोट शासन से वो निकल जाता है तो उसके बाद का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, बाकी आप देखना आपको पता चलेगा, आप खुद भी पढ़ना। उसके बाद है अकबर का टोम, अकबर का जो मकबरा है जो कि सिकंदरा में है, ठीक है, सिकंदरा भी आगरा के ही पास एक शहर है छोटा सा, वहां पे इस टाउन में ये बना था 1612 में, जहांगीर ने बनवाया था। देखो अकबर की मृत्यु के बाद 1607 में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1612 में इसकी 1605 या 4 में 5 में मृत्यु हो जाती है, सॉरी मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार भूल गया हूँ मैं थोड़ा सा, तो 1605-6 में जब इसकी मृत्यु के बाद 1612 में जहांगीर इसी के पुत्र ने इसका मकबरा बनाया सिकंदरा में,
और इसके बाद हालांकि अकबर ने खुद एक डिजाइन तय करी थी कि इस तरीके का मेरा मकबरा बनना चाहिए, लेकिन जहांगीर ने उसको चेंज कर दिया और ये बहुत ज्यादा उस तरीके का है जिस तरीके से पंचमहल है और बुद्धिस्ट विहार जो होते हैं उनसे भी ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उस तरीके के इसके अंदर जो काफी सारी जो काश्तकारी है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसको उससे भी इसको इन्फ्लुएंस किया गया है। और इसमें आपको देख रहे हैं ये पांच महल जैसा है, एक दो तीन चार पांच फ्लोर है इसी के अंदर भी और ये उस तरीके से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। द इनक्लोज वॉल ऑफ ईच साइड हैज ए गेटवे, हर जो दीवार है उसके चारों तरफ एक एक गेट है, चार गेट है और जो कि और उसके साथ ही चारों तरफ चार व्हाइट मार्बल की मीनार बनी हुई है। ठीक है, देखो मेन जो बिल्डिंग है वो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है लेकिन बाकी जो मीनार है वो बनी हुई है किस तरीके से, व्हाइट स्टोन से बनी हुई, व्हाइट मार्बल से मीनार जो है उससे बनी हुई है। उसके अलावा इसके पांच टेरेस हैं जैसे मैंने बताया पंचमहल में थे उसी तरीके से हैं और ऊपर वाली जो साइज है वो अपने आप में छोटी होती चली जा रही है। ओके, और ये भी एक बहुत ही फेमस मकबरा है सिकंदरा में। ठीक है, उसके बाद है इत्माद उल दौला का मकबरा। इत्माद उल दौला कौन था, ये था नूर महल का पिता, नूर जहां या नूर महल आपको पता है कौन थी, जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, और जहांगीर के साथ इसकी शादी किस तरीके से हुई वो मैंने पूरा जहांगीर के वीडियो में बताया हुआ है। और उनके पिता जो थे उनको एक इंपॉर्टेंट पोजिशन पे जहांगीर नियुक्त करता है, उनको अपना रिवेन्यू मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, एक तरीके से दीवान बनाता है। और ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनका मकबरा भी आगमना में ये बनाता है जमुना नदी के किनारे ही। ठीक है, तो जमुना नदी के किनारे हम बहुत सारे मकबरे देख रहे हैं। उसके बाद जहांगीर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाता है लेकिन जहांगीर की मृत्यु भी हो जाती है 1627 में। और इसके बाद 1627 के बाद जब ये जो बाकी बचा हुआ कंस्ट्रक्शन है वो नूर जहां करवाती है, मतलब इम्ताद उल दौला की बेटी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाती है। ये जो है ये आपको दिख रहा है किस तरीके का है, जो शीशे जैसा थोड़ा ग्लास जैसा आपको दिख रहा है, इसमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और सेमी प्रेसियस जो स्टोन्स हैं कुछ ज्वेल्स हैं इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। खूबसूरत मकबरा है ये। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं हम तो जहांगीर के मकबरे पे आ जाते हैं और जहांगीर का मकबरा बना हुआ है, मैंने क्या बताया था, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। तो जहांगीर का मकबरा भी भारत में नहीं है, ये है शाहदरा में जो कि लाहौर के पास है। ठीक है, लाहौर के पास ये शाहदरा का एक गार्डन है और इस गार्डन से जहांगीर को बहुत लगाव था, बहुत बार यहाँ खुद ठहरता था और काफी बड़ा ये गार्डन है उसमें ये मकबरा इसकी मृत्यु के बाद बनाया गया। ये खुद कश्मीर से जब अपनी राजधानी की तरफ लौट के आता था तो यहाँ यहाँ पे रुकता था। तो उसकी मृत्यु के बाद जब इसके बेटे ने ये ऑर्डर दिया कि इसका म्यूजियम भी यहीं पे बना दिया जाए, इसी गार्डन में बना दिया जाए, तो ये काफी बड़ा लगभग 2000 स्क्वायर मीटर का ये गार्डन है। इसके अंदर 1/4 एरिया में लगभग 500 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है और इसका अगर देखें सिर्फ बिल्डिंग देखें तो ये भी 100 गज के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई है। ये एक तरफ से रेक्टेंगल शेप में बना, स्क्वायर शेप में बना हुआ है, 100x100 का ये मकबरा है। चारों तरफ आपको मीनार दिखने को मिलती है। ठीक, और इसमें येलो और व्हाइट स्टोन का जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर गुबंद है। तो आप इस चीज को देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये मकबरा है। हालांकि विजिट करना तो एक अपने आप में स्पेशल चीज है ही, वो आपको हमेशा उसकी मेमोरी रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में, रहते हैं भारत में, रहते हैं आप इनके जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको विजिट करते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक, उसके बाद ये है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है वो बनी थी शाहजहां के समय में और भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद है। ठीक है, तो जामा मस्जिद दिल्ली में है और ये बनी थी 1550 से लेके 1556 के समय में। ठीक, अब इस समय आपको पता है शाहजहां का समय था लेकिन इसको बनवाया था जहां आरा बेगम ने। ये आपको बहुत जगह कंफ्यूजनिंग वाली बात मिलती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं शाहजहां ने बनवाया, लेकिन अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो है जहां आरा बेगम, जो कि इसकी बेटी थी। ठीक है, शाहजहां की बेटी थी, उन्होंने बनवाया था जहां आरा बेगम ने। और कई बार आपको जहां आरा बेगम अगर नहीं मिले ऑप्शन में तो आपको शाहजहां क्लिक करना है। ठीक, तो जहां आरा बेगम ने इसको एक तरीके से बनवाया शाहजहां के समय पे बना, तो सवाल दो तरह के बनते हैं कि किसके समय में बनी जामा मस्जिद, तो शाहजहां ऑब्वियसली, लेकिन किसने बनवाया अगर एक्चुअली देखें तो जहां आरा बेगम ने इसको बनवाया था। ये एक तरीके से एक टीले पे बना है, बहुत ही ऊंचाई पे बनी थी ये बिल्डिंग। उसके अलावा इसलिए इसके तीन तरफ अगर देखेंगे आप, एक तरफ तो टीला हो गया, ऊंचाई हो गई, तो तीन तरफ आपको दिखेगा कि आपको सीढ़ियों से इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊंची ऊंचाई पे बनी हुई ये बिल्डिंग है। ठीक है, रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट स्टोन दोनों तरह के मार्बल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक, उसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारी जो कुरान की आयतें हैं वो इंस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएंगे,
और गुबंदों पे और अंदर जो दीवारें हैं उनके ऊपर आपको ये आपको देखने को मिल जाती हैं। तीन डोम्स ऐसे हैं जहाँ पे अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगी, ब्लैक और वाइट मार्बल की जो क्या बोलते हैं स्ट्रिप मिल जाएंगी, इनपे सरमाउंट होती हैं, जो प्रेयर हॉल है जहाँ पे प्रार्थना की जाती है वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको मीनारें दिखने को मिलती हैं, तो ये इसकी विशेषता है। बात यही है जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा सकती है, ठीक। उसके बाद है दिल्ली का लाल किला, जिसको रेड फोर्ट बोलते हैं, लाल किला बोलते हैं, जहां से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। ये भी दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली का शहर शाहजहांबाद बसवाया था शाहजहां ने। देखो दिल्ली छोटे छोटे 8 शहरों से बन के बना हुआ शहर है। 8 शहर बने, उनमें से एक था शाहजहांबाद, जैसे तुगलकाबाद, जैसे कि नई दिल्ली, उसी तरह शाहजहांबाद में सन 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। और 11 साल तक ये आगे आने वाले समय में ये बनता रहा, ये और शाहजहां ने इसको बनवाया। और ये सबसे खूबसूरत किला है, अगर किले वाइज देखें तो भारत के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है लाल किला दिल्ली का। और ये बहुत बड़ा किला है, रेक्टेंगल शेप में है, 900 मीटर लंबा और 550 मीटर ये चौड़ा है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ये किला ही नहीं है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, 34 मीटर ऊंची दीवारें, 5 इसमें गेट हैं, जिसमें लाहौरी गेट और दिल्ली गेट फेमस हैं। लाहौरी गेट इसका मेन एंट्रेंस है, और सेकंड एंट्रेंस देखें तो वो है दिल्ली गेट। उसके अलावा 3 और गेट हैं, और बहुत ही अच्छी काश्तकारी से ये गेट बनाए गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग गेट हैं। साथ ही साथ इसके अंदर सैनिकों के रहने के लिए अलग जगह थी, ऑडियंस हॉल अलग था, घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए अलग जगह हुआ करती थी, ऑर्नामेंट्स गार्डन अलग थे, बहुत बड़े बड़े फीचर्स थे, दीवाने आम, दीवाने खास, वो बिल्डिंग्स भी इसके अंदर थी, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें थी वो मैं आगे वाले लेसन में बता देता हूँ। बीच में एक ताजमहल आ जाता है, ताजमहल का मैंने क्या बताया, आप आई बटन पे दबाएं, पूरा अगर जानना है डिटेल में तो ताजमहल का आपको वहां पता चल जाएगा। मैं तीसरी बार बता रहा हूं ताजमहल के बारे में, कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था शाहजहां का, कि उसको अपनी वाइफ मुमताज महल, जिनकी मृत्यु हो गई थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय, उनके लिए मुमताज महल से इतना प्यार करते थे कि वो अपनी एक तरीके से बहुत बड़ा उसको डेडिकेट करना चाहते थे, ताजमहल जैसी बिल्डिंग। और ये उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्चर को बुलाया, आर्किटेक्ट्स को बुलाया, और उसके बाद 1632 से इसका निर्माण शुरू हुआ और अगले 22 साल तक इसका निर्माण होता गया, ठीक। उसके बाद ये 1654-53 में ये कंप्लीट हो गया था बनके। उसके बाद ये देखने को मिलता है कि इसका निर्माण में क्या क्या प्रोसेस रहा। देखो 32 लाख रुपए लगे थे उस समय इसके निर्माण में, और 1000 हाथी लगे थे, 20000 कारीगर लगे थे, ठीक है। उसके अलावा इसमें काफी सारी मिथ और कहानियां हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। आप अगर ताजमहल का देखेंगे, इसका जो मेन स्टोन है वो राजस्थान के मकराना का वाइट मार्बल है, जो राजस्थान के एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, वहां पे से ये मार्बल मेन लिया गया। उसके अलावा बहुत सारे स्टोन्स लाए गए इंपोर्टेंट, जो बाहर से, चाइना से, तिब्बत से, अफगानिस्तान से, वो भी इसके अंदर जड़े गए। उनमें से बहुत सारे स्टोन्स को 1857 की क्रांति में अंग्रेज निकाल के भी ले गए। यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और भारत का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मॉन्यूमेंट है जहाँ पे देखने के लिए विदेशी टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो ताजमहल है। सबसे ज़्यादा कमाई भी यहीं से होती है अगर भारत के टूरिज्म में सेक्टर में देखा जाए तो, अगर किसी इंडिविजुअल बिल्डिंग से देखा जाए। और 2007 में ये 7 वंडर्स में भी, यानी दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल हुआ था। उसके अलावा शाहजहां के समय में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनी, जिनमें से आप देखेंगे दीवाने आम, दीवाने खास, जो कि लाल किले में ही स्थित हैं, मैंने आपको बताया था। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास अकबर ने बनवाया, दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। उसके अलावा मोती महल ये है, ठीक है, नहीं मोती महल नहीं है, ये तो मोती मस्जिद है, ये 1664 में बाद में ऐड करी गई थी। हीरा महल है, रंग महल है, ये कुछ है, फेमस महल है, जिसको पिस्ट्रा डोरा, एक पैटर्न होता है, पर्शियन मेथड होता है आर्किटेक्चर का, उस पैटर्न में बनाई गई है। और उसके अलावा इसमें अलग अलग जो मार्बल की जो काश्तकारी है उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अब दीवाने आम क्या है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पब्लिक आती है, मेन आम आदमी आते हैं, उनके लिए बादशाह जो है उनसे बातचीत करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है। दीवाने खास यानी कि जो प्राइवेट ऑडियंस है, जो कि लॉयल, जो रॉयल लोग हैं, जो शाही लोग हैं, जो बादशाह के खास हैं, उनके लिए होता था दीवाने खास, उनके साथ मीटिंग किया करता था। और ये जो होता था रेक्टेंगुलर हॉल हुआ करता था, ठीक है, और ये हुआ करता था एकदम गुबंदनुमा, ये है दीवाने खास, ठीक। यहाँ पे जैसे बादशाह बैठेगा, उसके आसपास लोग बैठेंगे और उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक, मीटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है शाहजहां के बाद अगला बादशाह है औरंगजेब। और औरंगजेब जो था वो आर्ट को बिल्कुल ही इंकरेज नहीं करता था, बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, और उसके हिसाब से आर्ट परफॉर्म करना इस्लाम के खिलाफ है। एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसके जो व्यवहार था, आचरण था, वो आपको मैं सब बता चुका हूँ
औरंगजेब के समय पे, वो आर्किटेक्चर क्या किसी भी तरह के आर्ट को फॉलो नहीं करता था, पसंद नहीं किया करता था, लेकिन उसकी एक खास बीवी थी रबिया बीबी जिसको बोलता था, रबिया उल दुर्रानी जिसको बोलते हैं, और उसको रबिया बीबी करके बोला करता था। तो उसी के नाम पे ये बीबी का मकबरा बना और ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद यानी कि आज के समय महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद। तो 1679 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है रबिया बीबी की, तो उसका बेटा आजम शाह एक मकबरा बनवाता है और ये मकबरा ये पूरी तरीके से कॉपी किया जाता है ताजमहल का, कि जैसा ताजमहल है वैसा ही बनाए। हालांकि इसका जो साइज है वो ताजमहल का जस्ट आधा है, उसका हाफ साइज है, और उसको बोला जाता है, हालांकि ये बहुत ही भद्दा लगता है उसके कंपैरिजन में, और हालांकि सुंदर है, ऑब्वियसली बात सुंदर है, लेकिन जब ताजमहल को देख लिया तो ये कुछ नहीं है उसके सामने। और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये ताजमहल की एक भद्दी नकल है, एकदम से उसको उसको एक तरह से बदनामी करता है, उसको कुछ सपोर्ट नहीं करता है ना, अच्छा नहीं है। तो बीबी का मकबरा है ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। फिर लास्ट हमारा है इस वीडियो का, ये है औरंगजेब का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ औरंगजेब। ये इसमें कुछ ज्यादा स्पेशलिटी तो नहीं है, बाकियों से अलग जरूर है। इसका जो स्ट्रक्चर है बाकी मुगल बादशाहों की तरह उस तरीके का नहीं है। और इसका पहले सबसे देख लेते हैं कहाँ पे, कुलंबाबाद। कुलंबाबाद औरंगाबाद के पास ही एक छोटा सा जगह है, वहां पे ये बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे सूफी संत रहा करते थे, औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर है ये, जहाँ पे सूफी संत रहते थे। और ये जो इसके फोर फादर हैं, जो इनके पहले के जो वंशज हैं, जो आपको पता है जहांगीर हो, अकबर हो, बाबर हो, उनके जो मकबरे हैं उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सिर्फ आपको दो मीनार देखने को मिलती हैं, उसके अलावा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वाइट मार्बल पे जो काश्तकारी करी गई है वो बहुत ही खूबसूरती से की गई है, ठीक है। और एक साइन बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि ये मकबरा है मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर का। औरंगजेब आलमगीर उसने उपाधि ली थी, आपको ध्यान है उसका, आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आलमगीर की उपाधि ली थी। तो ये था हमारे वीडियो का अंत। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सारे मुगल बादशाहों के टॉम्ब आप याद रखना, अपनी उंगलियों पे रख लेना। आपको अगर कोई भी चीज नहीं हो तो आप वीडियो को भी दोबारा देख सके, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज और लाते रहें और आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।